हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय माधव फिटनेस। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि मैं आप सबों को बताऊंगा कि झारखंड पुलिस यानी जिला पुलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी बहाली कब तक होगी। तो बहुत सारे भाइयों ने यह कमेंट किया था कि सर कब तक आएगी बहाली, नेक्स्ट बहाली कब तक होने वाली है। तो प्लीज़, अगर झारखंड पुलिस आप लोग जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उसके लिए आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन होगा प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ झारखंड पुलिस यानी जिसको हम लोग जिला पुलिस आमतौर पर बोलते हैं, तो उसकी बहाली कब तक आएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, उसकी जो बहाली होती है वह 5 से 6 साल के अंतराल में होती है। यानी 2017 में ज्वाइनिंग हुआ था उसका नोटिफिकेशन मतलब निकला था, 2015 में ही नोटिफिकेशन था, मतलब सारी प्रक्रिया पूरी होते होते मतलब 2017 में ज्वाइनिंग हुआ। यानी 15 और 20 यानी 5 साल, 2015 से लेकर 2020 तक यानी 5 साल अंतराल हो चुका है। यानी 21-22 तक कन्फर्म है जिला पुलिस आएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भाई या बहन तैयारी कर रहे हैं जिला पुलिस का, झारखंड पुलिस जो इच्छुक हैं मतलब ज्वाइनिंग करने के लिए, तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दे रिटर्न एग्जाम का, क्योंकि सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो फिजिकल करना होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल, उसके बाद मेरिट। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस उम्मीद से आप तैयारी करें कि आपको मेरिट का झमेला ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो है लड़के मतलब 2017 बैच के बहुत सारे लड़के जो है मेरिट में छट गए, तो वो समस्या आपके साथ ना हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से तैयारी करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं और लास्ट में अंतिम चयन में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं आजकल इतना आसान नहीं रह गया किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेना, क्योंकि बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है इस ज़माने में। 5 हज़ार सीट रहेंगे तो कम से कम 5 लाख आवेदन पड़ेंगे, 5 लाख आवेदन में जो है अप्लाई करेंगे उस जॉब के लिए, तो कितना टफ है कंपटीशन आप समझ सकते हो। 5 हज़ार सीट में 5 लाख 10 लाख आवेदन पड़ेंगे, यानी एक सीट के लिए 500 से 1000 के बीच उम्मीदवार रहेगा, मतलब एक सीट 500 से 1000 के बीच में उम्मीदवार। तो यानी समझ सकते हो कितना टफ कंपटीशन, इतना टॉप कंपटीशन में आपको फाइट करना है। तो कैसे करना है, तो इतना तो आसान होगा नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न एग्जाम में ध्यान दें, क्योंकि रिटर्न एग्जाम से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो जो भाई अभी तैयारी शुरू किए हैं, तो सबसे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस से लेके किस किस बुक से तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो जो भाई अभी तक नहीं देखे हो तो देख ले, मेरा वीडियो अपलोड है चैनल में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रियली में इच्छुक हैं झारखंड पुलिस ज्वाइनिंग करने के लिए, तो प्लीज़ अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो जैसा कि इसी विषय में यानी झारखंड पुलिस के विषय में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, कि जैसे कोरोना काल से पहले यह डिस्कस हो रही थी, पुलिस मुख्यालय से आदेश आ रहा था सभी जिला मुख्यालय में कि कितने पद अभी खाली हैं जिले में, यानी सभी से लिस्ट मांगा जा रहा था कि कितने ज़िले में अभी रिक्त पद खाली पड़े हैं। तो इसी उम्मीद से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत जल्द बहाली जो है आने वाली है। चलिए, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि किस किस बुक से तैयारी करनी है, तो फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ और इंजीनियरिंग उसमें दोनों आ जाता है, उसके बाद सामान्य ज्ञान रहेगा, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान रहेगा, झारखंड जीके रहेगा और सामान्य ज्ञान, यही सब सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी को फोकस करें, इस सब्जेक्ट को फोकस करें ये जो अभी मैंने बताया, देखिएगा आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। चलिए, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सबों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में बेल आइकन होगा प्रेस कर दो, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आज का टॉपिक किस तरह लगा आपको, और आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करके बताइए, हो सकता है तो मैं उसको सॉल्व करूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।